everyone, welcome to our channel EME Technologies. Subscribe our channel and hit the bell icon for latest updates. This is the best time to make yourself productive. So feel free to contact us for industrial training and summer training for ultra productivity and peak performance. AutoCAD 2017 ड्राइंग टूल्स यहाँ पर है अपना ड्राइंग टूल में अवेलेबल हैं। सबसे पहले सर्कल में हमारे पास सबसे पहले है सेंटर रेडियस। राइट डाउन सेंटर रेडियस। सेंटर रेडियस पे क्लिक करना है। स्क्रीन पर कहीं पर भी आप सेलेक्ट करो, क्लिक हेयर एंड एंटर रेडियस ऑफ 50 mm। ऑब्जेक्ट बड़ा आ रहा है, छोटा कर लो आप स्क्रोल से, फिर मूव क्यों करो ऑब्जेक्ट को और सेंटर में ले आओ। नेक्स्ट टूल है सेंटर डायमीटर। क्लिक ऑन सेंटर डायमीटर, क्लिक सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल एंड देन रेडियस ऑफ सर्कल और डायमीटर। तो डायमीटर की वैल्यू यहाँ पर 100 है, आप कुछ भी पुट करना चाहो। मैंने यहाँ पर 200 डाल दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। नेक्स्ट इज टू पॉइंट सर्कल। टू पॉइंट सर्कल भी एज इट इज़ है, जैसे आपने यहाँ से ऑर्थो बनाया, डिस्टेंस इज 200, देन क्लिक ऑन टू पॉइंट सर्कल, सेलेक्ट स्टार्ट पॉइंट, सेलेक्ट एंड पॉइंट, सर्कल क्रिएट हो गया विच हैव टू पॉइंट्स। नेक्स्ट इज थ्री पॉइंट सर्कल, उसके लिए भी सेम एज इट इज़, आप यहाँ से तीन पॉइंट बनाइए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, मतलब क्लोज कर दिया आपने। सेम एज इट इज़ इस आइसोसेलस ट्रायंगल में आप बनाएंगे। क्लिक ऑन थ्री पॉइंट सर्कल, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट एंड फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट एंड देन थर्ड पॉइंट, ये हो गया अपना थ्री पॉइंट सर्कल। नेक्स्ट इज टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। टेंजेंट रेडियस के लिए भी सेम, क्लिक ऑन एनीवेयर और लाइन। टेंजेंट रेडियस में क्या होता है कि आपको पूरी लाइन के किसी भी टेंजेंट जो उसे टच कर रहा है लाइन पे, पूरी लाइन को कहीं भी सिलेक्ट करोगे वो टेंजेंट मान लेगा उसको, पूरी लाइन को आप, और डिपेंड करेगा सेकंड पॉइंट कहाँ पर ले रहे हो और थर्ड रेडियस कहाँ ले रहे हो। तो थर्ड रेडियस आपने डिपेंड किया 25, एंटर, तो वो सर्कल क्रिएट होगा। तो 25 के डिस्टेंस पे, 25 के यहाँ से हॉरिजॉन्टल, 25 के वर्टिकल से ऑब्जेक्ट को बनाएगा। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट वन इज टेंजेंट। वी हैव जस्ट हैव टू डिफाइन थ्री टेंजेंट पॉइंट ओवर द लाइन। नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड हेयर। और देखो यहाँ पर ये लाइन का टेंजेंट पॉइंट इधर आ रहा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहाँ पर, तो तीन पॉइंट टच करके जा रहा है। इस केस में तीन पॉइंट पे पैराफरी पे था, इसलिए इसको सर्कमफ्रेंशियल सर्कल करेंगे कहेंगे। ये यहाँ पर दो टच कर रहा है, दिस इज ऑल्सो टेंजेंशियल सर्कल विद सम रेडियस। और इस केस में हम कहेंगे दो पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब फर्स्ट सेकंड, तो डायमीटरल सर्कल ही होगा, टू पॉइंट सर्कल है और डायमीटरल भी कहेंगे। कारण इसका, क्योंकि ये भी डायमीटर ही है स्टार्ट और एंड। दिस इज सेंटर डायमीटर, बस उसको सेंटर से बनाया है, इसको रेडियस से बनाया है, बस इतना ही फ़र्क है। सेंटर रेडियस से बनाया है, सेंटर डाया से बनाया है, और इसको टू पी इज ऑल्सो डायमीटर बिकॉज दोनों पॉइंट सर्कल के डायमीटर पॉइंट पे हैं और अपोजिट हैं एक दूसरे के, इसलिए यह है डन। हमारे पास सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, टू पॉइंट, थ्री पॉइंट, सेंटर रेडियस और टेंजेंट, तीन हमने छः डिफरेंट टाइप्स ऑफ के सर्कल के ऑप्शन किए हैं अभी यहाँ पर। नेक्स्ट हम करेंगे रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगल सेकंड कॉर्नर, ये मैंने माउस से यहाँ पर क्लिक करा तो ईजिली बन जाएगा। और यू कैन टाइप एट द रेट डिस्टेंस इज 100 एंड विड्थ इज, लेंथ इज 100, विड्थ इज 50, 100 बाई 50 का रेक्टेंगल हमने यहाँ पर बना लिया। नेक्स्ट इज हाउ टू ड्रा रेक्टेंगल एट टू पॉइंट, बट उसमें अपोजिट पॉइंट ही लेते हैं, बट उसमें अगर हमने फिलेटेड लगा दिया, कॉर्नर राउंड कर दिया ऐसे, तो कैसे होगा? तो उस केस में अगेन सेलेक्ट रेक्टेंगल, सेलेक्ट फिलेट, एंड देन फिलेट इज 10 mm रेडियस, फर्स्ट पॉइंट। और देखो अपने आप ही रेक्टेंगल बन गया फिलेट से। नेक्स्ट रेक्टेंगल इज चैम्फर्ड, क्लिक ऑन चैम्फर डिस्टेंस इन एक्स एक्सिस 10, वाई एक्सिस 10, ड्रा करो। ऑप्शन इज रेक्टेंगल विद विड्थ ऑप्शन। सबसे पहले क्या करेंगे, चैम्फर को ऑफ कर दिया, जीरो कर दिया इसको हमने दोनों एक्सिस में, एक्स और वाई में। देन गो फॉर विड्थ, विड्थ इज इंक्रीमेंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। सो मैंने रेक्टेंगल लिया विद सम विड्थ इज 5 mm का मैंने विड्थ ले लिया, ठीक है। देन सेलेक्ट फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकेंड पॉइंट, रेक्टेंगल इज क्रिएटेड विद एंड विड्थ, क्लियर है? आपको लग रहा है ये ज़्यादा है तो इससे इस देखो ये भी विड्थ इसके अकॉर्डिंग है, ये लाइन वेट है, दिस इज विड्थ, दिस इज लाइन वेट एंड दिस इज विड्थ। रेक्टेंगल बनाया हमने 50 mm पे, बना दिया, एलिवेशन दे दिया, देखो इससे कुछ हाइट कैसे पता लगी। फ्रंट व्यू में जाएंगे हम, ये ऑब्जेक्ट कुछ उससे हाइट पे है, मूव टूल किया है हमने, नहीं किया अभी, अभी रह रहा है, उसकी 50 mm की हाइट है यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। दिस गैप इज 50 mm एलिवेशन फर्दर हाइट में जाने के लिए। होम बटन पे वापस क्लिक करेंगे, टॉप व्यू पे आ जाएंगे, वापस हम 2D में आ गए। नेक्स्ट है रेक्टेंगल विद विड्थ को ख़त्म कर दिया हमने, पहली बात। दूसरी बात, हमने एलिवेशन भी ज़ीरो कर दिया। तीसरी बात, हमने थिकनेस इंक्रीज किया, थिकनेस वैल्यू यहाँ पर कितना है, 50 है, यहाँ पर क्लिक किया, 5 किया, थिकनेस लेकर हम उसे 50 कर देंगे। मुझे पता लगेगा एलिवेशन में, दिस इज एन 2D ऑब्जेक्ट विद सम थिकनेस, दिस इज कॉल्ड। देन गो फॉर होम टैब, अब देखो यहाँ पर इसमें हाइट आ गया, ये वाली जो थिकनेस है दिस इज कॉल्ड थिकनेस। टू डी ऑब्जेक्ट विद सम थिकनेस हाइट पर आ जाएगा, इट्स नॉट 3D ऑब्जेक्ट, इट्स ओनली 2D ऑब्जेक्ट। देन सेकेंड पॉइंट ऑप्शन ऑफ रेक्टेंगल, ये लिख लिया आपने एलिवेशन थिकनेस, ऐसे बना दो ना, एलिवेशन तो ये बनाया आपने, जैसे ये ऑब्जेक्ट बनाया, ये ऑब्जेक्ट बनाया, इसका टॉप व्यू है, देन फॉर नेक्स्ट इज रेक्टेंगल लिया आपने, थिकनेस ज़ीरो कर दिया, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, देन सेकंड कॉर्नर ऑप्शन, सेकंड कॉर्नर ऑप्शन वी हैव एरिया, डायमेंशन, एरिया, डायमेंशन एंड रोटेशन। क्लिक ऑन फर्स्ट एरिया, एरिया इज सपोज करो मैंने एरिया लिया 500, एंटर। देन कैलकुलेट रेक्टेंगल डायमेंशन बेस्ड ऑन लेंथ और विड्थ, एंटर किया, मैंने यहाँ पर ले लिया 25। देन उसी के अकॉर्डिंग रेक्टेंगल ने शेप एंड साइज क्रिएट किया है। इफ़ यू वॉन्ट टू चेक दिस, क्लिक ऑन डायनेमिक इनपुट ऑन, इसको ऑन करेंगे सबसे पहले स्टेटस बार से, दिस इज डायनेमिक इनपुट ऑन ऑफ, एंड देन गो फॉर चेक बाई डिस्टेंस ऑप्शन, क्लिक हेयर डिस्टेंस, हमने लिया है 25 लेंथ लिया था, विड्थ अपने आप आ गया बिकॉज 500 डिवाइड बाई 25, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इन टू विड्थ,
देन लेंथ इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाई विड्थ, देन 20 रिजल्ट आ गया उसका। देन एरिया चेक करना है, देन अगेन सेम ऑप्शन है, एरिया फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ एंटर द एरिया इज 500 एज वेल एज जो उसमें रिक्वायर्ड है, स्कोप कर देंगे। नेक्स्ट रेक्टेंगल है, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, डायमेंशन से क्लिक ऑन डायमेंशन, डायमेंशन में सिंपल वैल्यू है, लेंथ की वैल्यू दे दी आपने 50, विड्थ की वैल्यू दे दी आपने 25, तो डायमेंशन से आप स्पेसिफाई कर सकते हो लेंथ और विड्थ से। देन क्लिक टू लोकेट टू स्पेसिफाई द रेक्टेंगल, कर दिया लोकेट करके स्पेसिफाई कर दिया, यहाँ लोकेट कर दिया। देन अगेन रेक्टेंगल फर्स्ट पॉइंट ले लिया, रोटेशन इफ वांट टू ऐड सम रोटेशन, रोटेशन पे क्लिक करना है आपने, देन वैल्यू वैल्यू 45 डिग्री। और फिर आप किसी भी मेथड से आप बना सकते हो, यहाँ पर डायमेंशन ले लिया मैंने, डायमेंशन इज जो पहले दिया हुआ है, देन क्लिक टू लोकेट एरिया डायमेंशन से फिर आप बना सकते हो उसको, रोटेशन देना है देन एरिया डायमेंशन से आप किसी से भी बना सकते हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव कम्प्लीटेड योर सेशन और सर्कल एंड रेक्टेंगल। थैंक्स।